अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने काफ़ी अहम क्वेश्चन पूछा कि स्पेन की नेशनलिटी मिलने के बाद हम अपने मुल्क से किस किस को अपने पास बुलवा सकते हैं। इसकी डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि मैंने पहले देश प्रदेश विद्यालय में एक दो मरतबा इस टॉपिक पर बात की है कि जो यूरोपियन फैमिली लॉ है वो क्या है और जो इंग्लिश कंट्रीज़ के फैमिली लॉ है वो क्या है। जो यूरोपियन फैमिली लॉ है वो ये कहता है कि आप, आपके बीवी बच्चे और ज़्यादा ज़्यादा आपके जो वालदैन हैं, और वालदैन भी वो जो आप पे डिपेंड करते हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर हैं और आप उनको बुलवा सकते हैं। उसके लिए वो आपकी इनकम भी चेक करेंगे, आपकी रहाइश भी चेक करेंगे और उसके बाद आपको इजाज़त देंगे। लेकिन इसके अलावा जो मेम्बरान हैं वो आपके फैमिली मेम्बर नहीं बनते, ख्वाह आपके बहन भाई ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश फैमिली लॉ में देखेंगे तो वहाँ पे आपके बहन भाई और दूसरे अंकल आंटीज़ वगैरह जो हैं वो भी आपके फैमिली मेम्बरान कहलाते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो लोग इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलवा सकते हैं और बुलाते हैं। लेकिन यूरोप में जो आते हैं वो बहुत ही कम सुना होगा आपने कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलवाया। उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे फैमिली लॉ का ये डिफरेंस है। इस वजह से आपको ये बताता चलूँ कि इसके अलावा आप किसी और को नहीं बुलवा सकते जो लॉ के मुताबिक है। और इसी में आपके क्वेश्चन का जवाब है। अल्लाह हाफिज़।